गुड इवनिंग सचिन, यू आर फ्रॉम विच स्टेट सचिन? सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। बट नाउ यू आर वर्किंग इन विच प्लेस? आई एम वर्किंग इन विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक एंड करंटली पोस्टेड इन रत्नागिरी सर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुड। व्हेन डिड यू जॉइन दिस यस बैंक? व्हेन डिड यू जॉइन दिस बैंक? सर, आई जॉइंड ऑन 28 जनवरी 2021। वेरी गुड। सो आफ्टर ग्रेजुएशन इन विच डिग्री, विच सब्जेक्ट? सर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 2017 सर। यू मस्ट टेल स्पेसिफिकली बीए इन विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट? बीए इन पॉलिटिकल साइंस सर, 2017। वेरी गुड 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 गुड। व्हाट इज योर फादर? सर माय फादर्स नेम इज मुन्ना केदारनाथ कमकर एंड ही इज एन फ्रूट सीलर सर। ये व्हाट इज ही डूइंग नाउ? ही सेल्स फ्रूट सर सेल्स इन द फ्रूट्स। लोकल मार्केट। अच्छा, यस यू सर। डोंट हैव टू टेल हिज नेम, जस्ट टेल माय फादर इज अ फ्रूट सेलर। ओके वेरी गुड। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? सर आई हैव वन ब्रदर व्हाट हु इज इज अ इट? इलेक्ट्रिशियन एंड ही इज अ इलेक्ट्रिशियन एंड वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म। आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है? सर मुझसे बड़े हैं वो। ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड। सो नाउ मदर इज अ हाउस वाइफ और वर्क, शी इज हाउसमेकर, वर्किंग। हाउसमेकर सर, वेरी गुड। हाउसमेकर या आप जो ब्रांच में अभी काम कर रहे हैं, इज इट इन योर ओन नेटिव जी सर। डिस्ट्रिक्ट और फार अवे फ्रॉम दैट? नहीं सर, मैं अपने घर से, मतलब मैं थाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरे घर से मैं 400 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ सर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, और ओ, मेरी ब्रांच। हाँ सर। इट्स 400 किलोमीटर्स फ्रॉम योर होम, यस बट राइट नाउ वेयर आर यू? इन योर प्लेस वेयर यू आर वर्किंग और इन थाने? नो सर, आई एम इन रत्नागिरी ओनली। ओ, रत्नागिरी ओनली। गुड वेरी गुड। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, इसका बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज इट फेमस फॉर? हु आर द फेमस पीपल देयर? हु इज योर एमपी, एमएलए? सम सच डिटेल्स सर अबाउट रत्नागिरी, प्लीज टेल मी। रत्नागिरी मुंबई की तरह ना, जैसे मेरा जो होम टाउन है मुंबई की तरह समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सिटी है। यहाँ पे सर पूरी दुनिया में यहाँ के जो अल्फांसो मैंगो है वो फेमस है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं सर, और रत्नागिरी तो सर बाल गंगाधर तिलक के जन्म स्थान है, इसलिए वो उनके नाम से जाना भी जाता है। और हिली एरिया है सर यस, बट आई रिमेम्बर टू हैव रेड समवेयर पूरा। रत्नगिरी देयर इज अ फोर्ट आल्सो। हेलो, सॉरी सर। रत्नगिरी में कुछ हाँ फोर्ट, सर। इज देयर ना? या फोर आर टी? हाँ सर, रत्नदुर्ग फोर्ट है, मेरे घर से 3-4 किलोमीटर पे ही है सर। अच्छा, ओ गुड गुड गुड। हु कंस्ट्रक्टेड दैट? हाँ। शिवाजी जी? नो सर, आई डोंट रिमेम्बर दैट, ड्यूरिंग आई हैवन हुज रेड पीरियड वाज दैट। इट? ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज इट? इट डजंट मैटर। नाउ टेल मी, व्हाट इज द क्रॉप्स ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट? व्हाट आर द इंडस्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट? टेल मी सर रत्नगिरी। रत्नागिरी इज मेनली, हाँ रत्नागिरी इज मेनली ऑफ मैंगो बेल्ट, मैंगो एंड कैश्यू। लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स आर देयर फॉर विच ग्रोज मैंगो एंड कैश्यू एंड इंडस्ट्री। ऐसे देर आर नो, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो नहीं है सर, पर आपने सुना होगा फिनोलेक्स की बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री यहाँ पर है। वेरी गुड। अच्छा जी, यू आर वर्किंग इन दिस ब्रांच एंड हाँ सर। आपका बैंक का बारे में कुछ बताइए, अबाउट योर ग्रामीण बैंक
हु इज द जी जी चेयरमैन, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट्स, व्हाट इज द टोटल एडवांसेस, लास्ट क्वार्टर में क्या जी फिगर है, जी ये सब बताइए। जी सर जी सर, जैसे मैंने आपको बताया सर, मेरे बैंक का पूरा नाम विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक है। सर इसका फॉर्मेशन 28 फरवरी 2013 को हुआ था, जो पहले एक वैनगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक जिसको बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती थी, और विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती थी। इन दोनों बैंकों को मर्ज किया गया और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक का जन्म हुआ। सर अभी हमारे टोटल 320 ब्रांचेस हैं और ये महाराष्ट्र के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में खड़े हुए हैं। हमारे 6 रीजनल ऑफिसेज हैं सर, जिसमें से एक रत्नागिरी रीजन है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ। सर अभी हमारे टोटल टोटल बिजनेस 8.5 करोड़ का है सर, जिसमें से डिपॉजिट कुछ सर मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, पर जो मुझे रफ फिगर याद है मैं वो बताता हूँ सर। चलो टोटल ठीक। डिपॉजिट हमारा 5.5 करोड़ और एडवांस टोटल एडवांसेस एडवांसेस सर करीबन 3,000 करोड़ है। और ठीक है। अभी सर हमारी बैंक दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही ज्यादा लॉस में है सर, वो इट इज इन लॉस। पिछले पिछले ईयर के अंदर। हेलो, ओहो, इट इज इन लॉस, लॉस मेकिंग यस अभी। सर यस सर यस सर वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा जी, आपका ब्रांच यस का सर बारे में कुछ बताइए। जी सर, मेरा ब्रांच रत्नागिरी रीजन में आता है। अब ब्रांच का नाम है सर वाडी लिंबू ची वाडी लिंबू ऐसे गांव में स्थित है। मेरे ब्रांच का बिजनेस सर टोटल बिजनेस है 34 करोड़, मिक्स बिजनेस सर। मेरे ब्रांच का एड्रेस है रफली 13.70 करोड़, डिपॉजिट्स 20 करोड़ 60 लाख है। अच्छा जी, यू प्लीज गो एंड सिट आउटसाइड द जी हाउस। सर, और सर आपको सिग्नल अच्छा नहीं है, थोड़ा बाहर जाओ और नई ओढ़े से जी सर जी गो टू फर्स्ट फ्लोर, नई ओढ़े से टेरेस में सर जाओ, ओके थोड़ा दूसरा। ओके ओके सर, जस्ट अ मोमेंट जस्ट अ मोमेंट। सर अभी ऑडिबल हूँ मैं? नाउ इट इज गुड, नाउ थोड़ा अच्छा है, इधर इधर से आपका आवाज अच्छा आता है। गुड, वेरी गुड। आई थिंक हियर यू गेट वेरी गुड स्पीड, प्रॉबली वेरी नाइस, हाँ गुड। सो नाउ यू वर टेलिंग अबाउट द ब्रांच एंड बैंक। ये आपने ठीक पूरा पढ़ा नहीं है, आप पूरा पढ़ना है, पढ़ के मन में रखना है, बिकॉज आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, जहां आपको पूछेगा एंड जी यू मस्ट टॉक कॉन्फिडेंटली। आपको कॉन्फिडेंस उतना जी अच्छा नहीं है बात करने के समय पर, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा जी, ये बताओ आप का ब्रांच में कितना आदमी काम करते हैं। सर अभी हम लोग चार चार स्टाफ हैं। हेलो, बोलो। हाँ सर अभी हम लोग चार स्टाफ हैं, एक मैनेजर, एक कैशियर, मैं एक सेकेंड ऑफिसर एंड एक हमारे ऑफिस अटेंडेंट सिपाही। ओनली फोर ऑफ यू, गुड गुड गुड। यस सर, आपको एक दिन का रूटीन बताइए, आप क्या करते हैं, कितना बजे आते हैं, कितना बजे जाते हैं, इसका बीच में क्या काम करते हैं। जी सर, जैसे हमारे हम 10:15 के पहले ब्रांच में पहुंच जाते हैं, 10:30 से कैश आवर शुरू होते हैं। तो सर मैं मेरा ड्यूटीज बताऊं? या ये तो पूछ रहा हूँ इसलिए तो। ओके सर, मैं जाते हैं सबसे पहले कल के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो लास्ट ईओडी के रिपोर्ट्स होते हैं वो मैं जनरेट करता हूं और प्रिंट करता हूं। फिर जो भी कस्टमर्स के क्वेरीज होते हैं, जितने लोगों को मैं अटेंड कर सकता हूँ मैं करता हूँ सर। और बाकी जो पीएनपीए होती है, प्रोबेबल एनपीए की लिस्ट होती है, हमारे रीजनल ऑफिस से प्रोवाइड की जाती है, वो उन लिस्ट से बॉरोवर्स को कांटेक्ट करने का काम करता हूँ सर। गुड।
और फिर सर ब्रांच के जो भी अदर रूटीन वर्क होते हैं, जैसे किसी दिन प्रपोजल होगा तो उस प्रपोजल का प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब डॉक्यूमेंट फिलअप करना, और बाकी डेली के वाउचर्स वेरीफाई करना, और भी जो भी सर रूटीन वर्क होते हैं वो करता हूँ सर। बहुत सा रीजनल और रूरल बैंक में आपको प्रॉब्लम क्या है? द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट केप्ट अलाइव, बहुत डॉक्यूमेंट्स टाइम बार हो जाता है। आपका ब्रांच में पोजीशन कैसे है? सर हम लोग आगे के 6 महीने तक का टाइम बार जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी लिस्ट हमेशा रेडी रखते हैं आगे के 6 महीने तक का, और उनसे फॉलोअप करते रहते हैं। जिस अकाउंट में जैसे वो अकाउंट बोरोवर डिसीज है तो उसके रिलेटिव से उसका अलग जो डॉक्यूमेंट है वो लेने की कोशिश करते रहते हैं सर पूरी तरीके से, ताकि मतलब इसी महीने जो अकाउंट टाइम बार हो रहा है वो एकदम लास्ट मिनट रश ना हो, इसलिए हम बहुत पहले से ही 6 महीने पहले से ही उसको फॉलो उसका फॉलोअप और उसको सिस्टम में एंटर करने का काम शुरू रखते हैं सर। And do you file suits where you find it difficult to renew the documents? सॉरी हेलो, सर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। जी सर बिकॉज 3 साल हो गया तो आप उसका बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 3 साल का पहले कोर्ट को जाना पड़ता है। आप लोग का बैंक में क्या पॉलिसी है, क्या करते हैं आप लोग? आपको कोई एडवोकेट होगा जिसको ज्यादा केसेस मिलना होगा? सर पैनल एडवोकेट होते हैं हमारे यहाँ पे, लांजा डिस्ट्रिक्ट में एक है लंकेश्वरी करके, उनके पास ही हमारे सारे ये जाते हुए। अच्छा, गुड। आपका कुछ एक्सपीरियंस है कोर्ट में जाना आना? जी नहीं सर मैं कोर्ट में तो नहीं गया हूँ, पर लोक अदालत के नोटिसेस सर्व करने गया हूँ सर बॉर्डर्स को। लोक अदालत में उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस कुछ है जहां आपको रिकवरी हुआ है? जी सर अभी तक तो नहीं हुआ क्योंकि बार बार मोस्ट ऑफ द टाइम तो सर वो आते ही नहीं है, दे मतलब दे जस्ट प्रॉमिस की दे विल कम बट इवेंचुअली वो कभी आते ही नहीं है सर। बहुत ही नहीं। अच्छा ठीक है, गुड। अच्छा जी, अभी आप लोग का दिन का काम पर इज देयर अ प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग द वाउचर्स वेदर दे हैव बीन पोस्टेड इन द करेक्ट अकाउंट और नॉट? कुछ गलत से पोस्ट हो गया तो क्या करेंगे? उसका वेरिफिकेशन के लिए कुछ पॉसिबिलिटी है? द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में कुछ देखना पड़ता है? जब हम काम करते थे लॉन्ग बैक, हम लोग का एक सिस्टम था सेक्शनल डे बुक, जहां पर आपको प्रिंट आउट आएगा, वो प्रिंट आउट से हम हाँ लोग वेरीफाई करेंगे। ऐसे में भी करते हैं आप लोग? जी सर जी सर हम लोग जब वो वाउचर वेरीफाई करते हैं तो एवरी सिंगल वाउचर को उसी समय एक एक वाउचर को वेरीफाई करना होता है, और डे एंड पे सर एक कैश रिपोर्ट आती है जिसमें एक समरी होती है नंबर ऑफ क्रेडिट्स और नंबर ऑफ डेबिट्स, कौन से अकाउंट में कितने क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ इसका ये पूरा लिस्ट आता है सर, वो कैश रिपोर्ट आती है उसमें फिर हम लोग शाम को चेक भी करते हैं। गुड, ए पॉइंट देखना चाहता था, इज देयर ए प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन और नॉट? गुड, सो एट द जी एंड सर ऑफ द डे डे बुक इज मेड ना? यस सर इट इज कंपलसरी टू प्रिंट द कैश रिपोर्ट सर। ठीक है, बट द एंड ऑफ द डे डे बुक में टैली होना कुछ प्रॉब्लम कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है? जी सर मैंने एक बार कैश जब मैं कैश काउंटर संभाल रहा था तब मुझसे हुआ था सर, मैंने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया था या ऐसे मतलब वाइस वर्सा कर दिया था जिससे कैश में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो वो जब हमने कैश रिपोर्ट को देखा और वाउचर्स को किया तो समझ में आ गया सर कि यहाँ मिस्टेक हुई थी, तो फिर वो करेक्ट किया गया। वेरी गुड, दैट इज गुड, दैट्स नाइस। हाउ इम्पोर्टेंट इज योर रोल इन योर बैंक ब्रांच नाउ? सर मेरे आने से जैसा मैंने महसूस किया है कि मैनेजर को एक एक्स्ट्रा हैंड मिल जाता है कि वो पूरी तरीके से मतलब एडवांसेस पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर जो भी एक प्रायोरिटी वाली काम है उस दिन या फिर उस महीने
उस पर वो पूरी तरीके से जोर दे सके, और ये जो रूटीन वर्क है वो करने के लिए कोई ब्रांच में है, या फिर वो रूटीन वर्क करे और जैसे कोई एक स्पेसिफिक टास्क है सर, जैसे नोटिसेस सर्व करने हैं बॉरोवर्स को, या फिर किसी पर्टिकुलर अकाउंट में रिकवरी पे जाना है अर्जेंटली, तो वो मैं कर सकता हूँ सर। गुड, वेरी गुड, यू टोल्ड नाइसली। सो सपोजिंग आई आस्क योर मैनेजर टू रेट योर परफॉर्मेंस, हाउ मेनी मार्क्स विल ही गिव आउट ऑफ यस 100? एट प्रेजेंट सर हाँ, एट प्रेजेंट। माय मैनेजर और आई नो हैव नो टू नो गिव मार्क्स, नो, आपका मैनेजर आपको कितना मार्क देंगे? ही शुड गिव मी एटलीस्ट 75 to 80 मार्क्स। बाई चांस हमने आपको बोलता है यू प्लीज एवेल्युएट योर मैनेजर्स परफॉर्मेंस, आप कितना मार्क देंगे, आप उनको कितना मार्क देंगे? 85 to 90 मार्क्स सर। वेरी गुड, वेरी गुड, डजंट मैटर, इट्स नॉट अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। गुड, आपका ओके स्ट्रेंथ क्या है जी? आपका स्ट्रेंथ क्या है? सर, मेरा स्ट्रेंथ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत डिटरमाइंड हूँ सर। वंस आई डिसाइड समथिंग आई कंप्लीटली गेट इनटू इट, एंड मैं बहुत फोकस्ड हूँ सर, और ऑनेस्ट, ऑनेस्टी सर। अभी आप क्यों RRB से PO आना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी लूजिंग सैलरी ऑल्सो, बहुत कम होगा, और यस यहाँ पर सर, आपको प्रॉब्लम है, थ्रू आउट इंडिया में पोस्टिंग होगा, आप क्यों अभी ट्राई जी कर सर, रहे हैं? व्हाई डोंट यू चूज द ऑप्शन ऑफ वर्किंग फॉर 4 और 5 ईयर्स, देन ट्राई फॉर स्केल 2 इन अदर बैंक्स? आपने क्यों वो नहीं ट्राई कर रहे हैं? सर, एवर सिंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दिस सर, आई वाज गिविंग माय 100% टू बैंकिंग एग्जाम्स, और आरआरबी में सर काम करते मुझे ये रियलाइज हुआ है कि हमारा काम जो है एज अ ऑफिसर और एज अ बैंकर बहुत इम्पोर्टेंट है सर लोगों की जीवन में, तो यहाँ काम करते करते तो ये रियलाइज हुआ है कि सर मैं इससे ज़्यादा अगर कुछ करना चाहता हूँ ना, तो मुझे एक नेशनलाइज बैंक में ही जाना होगा, और उसके लिए सर अभी मेरे पास, अभी सर मेरी एज 25 ईयर्स है, तो मैंने ओ देखा कि मैं एज, अभी भी अगर या फॉर द जी सेक ऑफ सर, एज, या आई अंडरस्टैंड नाउ। नो हाँ सर, नो सर, आई हैव द अपॉर्चुनिटी इन माई हैंड टू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर एक्सपोजर, सो आई थॉट दैट आई शुड ट्राई इट। ओके, बट देन व्हाइल ट्राइंग आपने तो यू कैन ट्राई फॉर समथिंग बेटर लाइक सेबी, EPFO, नबार्ड, सिडबी, ऐसा में भी बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जहां आपको अच्छा तलब मिलेगा, आप क्यों वो ट्राई नहीं कर रहे हैं? जी सर, IBPS PO एक बहुत तरीके से सर सिमिलर है RRB PO के, जैसे पब्लिक डीलिंग या फिर ब्रांच में जब मैं एज अ PO पोस्टेड होऊंगा, मुझे लगभग वैसे ही काम मिलेंगे जैसे आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर, बस वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होंगे सर। गुड। अच्छा जी, आपको हॉबीज क्या है जी? सर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जब से मैं यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ सर, काम के साथ में उसको बैलेंस नहीं कर पाया सर, लेकिन मैंने उसी दौरान एक नई हॉबी डेवलप कर ली है सर, वो है कुकिंग की। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट सर उसमें बहुत आ गया है, तो मैं अभी कभी जब छुट्टी होती है या फिर सुबह के समय नाश्ता वगैरह खुद से बनाता हूँ सर। गुड, इसका मतलब यह है आप अकेले रहते हैं और यू आर स्टेइंग जी विद सर, समबडी एल्स, अकेले रहते हैं। नो सर, आई एम अकेले रहता हूँ सर मैं। गुड, व्हाई योर मदर कैन नॉट कम एंड स्टे विथ यू? सर पापा अभी तक काम कर ही रहे ना सर, तो वो वहां से छोड़ के यहाँ आना नहीं चाहते वो, और अगर वेरी मम्मी आ जाए फिर तो पापा को खाना बनाना वगैरह सब दिक्कत होगा सर। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, यू टोल्ड नाइसली, वेरी गुड। अच्छा जी, हमको KYC के बारे में कुछ बताइए। जी सर, KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। जब भी कोई कस्टमर हमारे ब्रांच में आता है,
मेरे सामने आ रहा है, तो सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से पहले मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी है जो कंपलसरी है RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो उसके लिए उसकी आइडेंटिटी और उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस हमें चेक करना होता है। तो बोलिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में उसमें हम उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में उसका हम आधार कार्ड या राशन कार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे सब ले सकते हैं सर। गुड। ये क्यों करते हैं? व्हाई KYC इज डन? ताकि सर जो हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज को जो यूज कर रहा है वो व्यक्ति वो किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना कर रहा हो, या हमारे बैंक का उपयोग उन चीजों के लिए ना कर रहा हो जो सही नहीं है। या अच्छा जी, आपको शेयर मार्केट में कुछ इंटरेस्ट है? जी नहीं सर, मैंने अभी तक वो सब समझा नहीं है सर अभी तक। अच्छा, आपको RRB में आप लोग बैंक अश्योरेंस का काम कुछ करते हैं, कैनवासिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? सर अभी हाल ही में सर हमारे बैंक ने टाई अप तो किया हुआ है स्टार हेल्थ इंडिया से, बट सर गिवन मतलब जो हमारा नेचर है सर काम करने का और जो हमारा प्रेजेंस है ना सर वो एकदम रिमोट एरियाज में ज्यादा होता है, तो वहाँ पे सर एकदम से महीने का 10,000 12,000 करना काफी मुश्किल है लोगों के लिए, फिर भी हम सर कर रहे हैं। गुड। कैन यू प्लीज टेल मी सम अचीवमेंट्स मेड बाय यू ड्यूरिंग योर 1 ईयर स्टे इन दिस ब्रांच? सर सो अचीवमेंट सुनो ना, आई मैं ये सम अप बोलूंगा इट सर जो कुछ क्वेश्चंस, आई सम अप इट तकलीफ क्वेश्चंस तो आएगा। सी दे विल नॉट आस्क इजी क्वेश्चंस, समझ गया? जी सर अभी ट्राई कीजिए। व्हाट इज द आंसर यू वांट टू गिव मी? जी सर अचीवमेंट अगर मैं अपने लेवल पे कहूँ तो सर जो ब्रांच की जो पेंडेंसी थी सर बहुत करीबन 4-5 साल से वो मैंने आते ही 1 साल में कंप्लीट कर दी थी सर। और जैसे हमारा बहुत केवाईसी सीकेवाईसी बहुत पेंडिंग था सर सिंस 2018, और सिग्नेचर जो होता है अकाउंट में जो हम करीबन 2,200 अकाउंट्स का पेंडिंग था सर, वो मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया सर। वेरी गुड, दिस अ गुड थिंग। एडवांसेस में कुछ कंट्रीब्यूशन है आपका? हेलो। सर एडवांसेस में अचीवमेंट ना सर। व्हाट इज योर हेलो अचीवमेंट्स? एनी कुछ कंट्रीब्यूशन? अचीवमेंट भी नहीं, कंट्रीब्यूशन टू जी सर एडवांसेस। जी सर जी सर बैंक ने एक कैंपेन चलाया था सर जिसमें केसीसी बनाना था फ्रॉम अप्रैल टू जून, मेरे ब्रांच मैनेजर को इसी पीरियड के दौरान मतलब वो शुरू होने के 5 दिन बाद ही उनको अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया था सर कोविड, एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज देन फोर्स्ड अपॉन मी, तो मैंने सर करीबन 350-400 अकाउंट्स में रिन्यूअल करवाया था सर। हम अपने की मदद से गांव गांव जाते थे और सबको बताते थे कि ऐसे ऐसी स्कीम है तो आप आइए, और हमने एक हफ्ते पहले सिर्फ प्रचार किया और उसके बाद जैसे जैसे लोगों के फॉर्म्स इकट्ठा होने लगे और लोग आने लगे तो हम फिर दिन भर हेलो सचिन, सचिन हेलो हेलो या सचिन, कट हो जी सर गया जी आपका, सर कट हो गया। अभी हाँ बोलिए, जी सर आपका सॉरी कंट्रीब्यूशन बताइए। सर जी सर मेरे ब्रांच मैनेजर जब उनके एब्सेंस में मैंने सर करीबन 200-250 किसी रिन्यूअल किए थे, और कुछ टू व्हीलर और फोर दो तीन टू व्हीलर के प्रपोजल किए थे सर।
गुड, वेरी गुड। और अभी भी सर आपने ब्रांच का जो डिमांड लोन है ना, ब्रांच का अच्छा जी, आपको कागज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर? सर एक्सक्यूज मैं अभी मी, उतना नहीं कर पाता हूँ सर, फिलहाल नहीं कर पाता हूँ सर मैं। ओहो अच्छा जी, कल हेलो बजट का बारे में क्या जानते हैं, बताइए। बजट सर क्या जी, हमारा, बजट हमारा वो एनुअल बजट में डॉक्यूमेंट होता आपको है सर जिसमें हम, बजट में आपको फायदा क्या है? पर्सनली इनकम टैक्स स्लैब, हाँ सचिन को इनकम क्या फायदा, टैक्स स्लैब पे क्या नजर फायदा, रहती है सर हमारी। क्या फायदा है, फायदा क्या, बोलो। सर इनकम टैक्स स्लैब्स, खाली ऐसा नहीं बोलने से हेलो चलेगा, यू आर ब्रांच ऑफिसर, आपने ठीक से हेलो बताना, आपने ठीक से बताना है क्या क्या डिटेल्स आए, क्या इनकम टैक्स था, अभी क्या इनकम जी टैक्स सर, का है मैंने पढ़ा नहीं सर, मैं उसमें करता हूँ सर। बड़ा नहीं है। ठीक है, तब तो हमको केसीसी कैसे जी प्रोसेस करना, इसका बारे में कुछ बोलिए। जी सर, सबसे पहले उसकी जमीन कितनी है सर, और उस 7-12 बंदे हमारे उस लैंड प्लॉट को, उसमें उसका नाम, उसके नाम पे कितनी जमीन है, उसमें कितने आम या कैशू के पेड़ लगाए गए हैं जिसको यहाँ पे कलम बोलते हैं, तो पर मैंगो ट्री, पर वेल ग्रोन मैंगो ट्री को हम 2200 रुपये देते हैं। बोलिए, ये सिस्टम कैसे चलता है, केसीसी सिस्टम कैसे चलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनको क्या आप देंगे, वो कैसे फॉलो करेंगे, कैसे रिन्यू करेंगे, ये सब बोलना है ना, जी क्यों आप बात नहीं करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। नहीं, सर सर बीच में आवाज एकदम रुक जा रही है, या फिर मतलब पता नहीं चल रहा है सर क्या क्या बोलते क्या हैं। एक क्या में ना मोबाइल आप यूज करते हैं, जियो मोबाइल और एयरटेल मोबाइल, सर, यहाँ पे तो जियो ही है। जियो। अच्छा, एयरटेल अच्छा आएगा नहीं है, सर एयरटेल का यहाँ पर जरा भी रेंज नहीं है, जब मैं यहाँ पे आया था तो एयरटेल का सिम था जिसमें जरा भी रेंज नहीं होता था सर, अच्छा तो अच्छा मैंने इसको ठीक है। पोर्ट किया जियो में। व्हाट अबाउट बीएसएनएल, बीएसएनएल भी अच्छा चलता नहीं है, BSNL चलता है सर थोड़ा बहुत। एनी हाउ डजंट मैटर, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आप जी देख लीजिए। वेरी गुड, सो यू आर प्रिपरेशन, यू हैव लॉट ऑफ आइड, विलिंगनेस टू सक्सीड, बट लेकिन आपने प्रिपेयर पूरा नहीं किया है। फर्स्ट थिंग इज, आप जी डिड यू गो थ्रू द मटेरियल्स आई हैव गिवन यू, पढ़ने का समय नहीं बोलेंगे आप, ये तो बोलने से फायदा सर, मैं नहीं वीडियोस है, बोलिए। वीडियो वीडियोस हाँ हेलो सर, वीडियोस में फॉलो कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ आपके, लेक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ। बट यू मस्ट गो थ्रू द कंटेंट गिवन ऑल्सो, यू मस्ट गो थ्रू इकोनॉमिक सर्वे, यू मस्ट गो थ्रू बजट, यू मस्ट गो थ्रू बैंकिंग, देन यू मस्ट ऑल्सो बी रेडी अबाउट योर ब्रांच डिटेल्स एंड ऑल, थोड़ा और भी तैयार होना जरूरी है। हाँ जी सर, सी, आपको जी सर, पर्सनालिटी, जी सर, आपको पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, स्माइल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट वाइज थोड़ा और भी ज्यादा देना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, अरे भाई सर आरआरबी से इधर क्यों आ रहे हैं, उधर ही आप कुछ नहीं करते, इधर आके क्या करेंगे आप बताओ, ऐसा पूछेगा आपको, समझे, क्योंकि आपने, जी आपका बारे में अच्छा बोलना नहीं पाते, यू आर नॉट एबल टू स्पीक गुड अबाउट योर सेल्फ, बट फॉर इन व्हाट सक्सीडिंग, सेंस सर? फॉर नो नो यू मस्ट बी एबल टू टेल, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव डन दिस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस,
ऐसा मप्पी हम बोलने से तो आपका बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन वो लोग ले सकते हैं, समझे। ओके जी सर, इसलिए आप थोड़ा मेहनत करके खुशी से बात करना है, ठीक है, वेरी हैप्पी से बात करना है। जी सर, श्रद्धा जी सर, सबूरी, व्हाट इज द अदर वन, श्रद्धा सबूरी, साई बाबा ने बोलते हैं ना, श्रद्धा सबूरी श्रष्टा ना, क्या हाउ फार इज से शिरडी फ्रॉम योर प्लेस? फ्रॉम थाने ना सर, नो नो, फ्रॉम योर प्लेस, फ्रॉम रत्नगिरी, अराउंड 300 किलो, अराउंड 600 700 किलोमीटर। ओए बाबा, बहुत दूर। फ्रॉम थाने आई थिंक इट इज नॉट वेरी फार ऑफ ना, फ्रॉम थाने 300 होगा, हाँ सर, 300 350 होगा सर। वेरी गुड, बेस्ट विशेष। कुछ डाउट है आपका? हाँ सर, मतलब मैं अभी सर, जैसे आपने बोला कि आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पा रहे, तो सर मुझे आप बता सकते हैं मैं कैसे और प्रेजेंट करूँ? जैसे मेरा आइडिया है सर, मैं IBPS PO क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बेटर अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है सर कि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होती है यहाँ से, एज़ कम्पेयर टू RRB, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है सर, प्रमोशन यहाँ से ज़्यादा फास्ट होते हैं। दूसरी चीज सर, जैसा कि आपने कहा कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड होगा, पोस्टिंग होगा, तो सर वो एक तरीके से अच्छा भी है कि सर मैं ऐसे देखूं कि मुझे दूसरे स्टेट्स में भी जाके काम करने का मौका मिलेगा, और अलाउंसेस सर RRB से ज़्यादा ही होते हैं, तो मॉनेटरी बेनिफिट भी है, तो सर गुड गुड। इसको मैं और कैसे सो बोल सकता हूँ? नो, व्हाट यू आर टेलिंग इज करेक्ट, लेकिन जब आप बात जी करते सर, थे आपका आवाज में खुशी नहीं है। अच्छा, अरे भाई, डायलॉग ओके ओके, तो सेम डायलॉग को डिफरेंट डिफरेंट मोड में बोल सकते हैं। हाँ, जी आपका सर, मान लीजिए आपको प्रमोशन आ गया बैंक में, आपने हम्म, जाके आपको पिताजी को बोल रहे हैं, पिताजी प्रमोशन हो गया, दैट इज वन वे ऑफ टेलिंग इट। यस दूसरा वे इज, सर, पिताजी हम बहुत खुश हैं, अभी हमारा प्रमोशन हो गया, ये कैसे लगता है? दोनों में क्या फर्क पड़ता है? इस जी समय पे बात करने के समय पर एक्सप्रेस, थोड़ा एक्सप्रेस करके बात करना है, अदरवाइज आपने ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज वाइज आपको ज्यादा नहीं है, बिकॉज एडवांसेस में आप जी सर, ज्यादा बोल ही नहीं पाते हैं। आपको बहुत कुछ क्वेश्चन आएगा, MSME के बारे में बोलो, प्रायोरिटी सेक्टर का बारे में बोलो, ऐसे में पे बहुत कुछ क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैंकिंग बुक से कुछ प्रिपेयर करके रेडी कर लो, ठीक है, वेरी गुड। आर यू एबल टू फॉलो मी? थिंग्स चला गया ना क्या? सचिन, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, जी सचिन, आर सर, जी सर, अभी आया नहीं सर, यू आर एबल टू यस हियर सर, मी? वेरी गुड। सो बेस्ट विशेस, पहले आप ये काम करो, अच्छा इंटरनेट लेके आ जाओ जहां आप बात करेगा। ऐसा में भी करने से जी आपको आपको 8 मार्क मिलने का बदला 7 मार्क मिलेगा। सो अच्छा से हम लोग ठीक से बात नहीं कर पाते हैं ना, जी सर, काफी इंटरप्शन हो रहे बीच में। बहुत इंटरप्शन हो रहा है। एनी हाउ, यू प्लीज प्रिपेयर ऑन डिपॉजिट्स, एडवांसेस, अबाउट RRB, अबाउट योर ब्रांच, अबाउट NPA, प्रोसेस ऑफ से स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, देन लॉस असेट्स, देन गेट टू नो अबाउट प्रोविशनिंग, देन क्रॉस सेलिंग, ये सब प्रिपेयर कर दो जी अच्छा से, ठीक है। जी सर, जी अच्छा सर, जी, आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन यूज करते हैं? फिनाकल, फिनाकल, इंफोसिस का करेक्ट, फिनाकल सर, वेरी गुड। हु इज द चेयरमैन ऑफ योर बैंक? विजय कुमार वर्मा, हु इज द इसी MSME मैंने ज्वाइन मिनिस्टर? किया। हु इज द MSME मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट?
सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर उनका। नारायण रानू ताने समथिंग, डजंट मैटर हु इज हाँ दी, नारायण, या नारायण राणे फ्रॉम कोई, रत्नागिरी सर। जी या अच्छा, हो गुड गुड, इस समय भी जी जी ये इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करना है, महाराष्ट्र से कितना जी सर यूनियन मिनिस्टर है, ये सब प्रिपेयर कर दीजिए। जी सर जी सर हमारे ओके, हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर सर। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अटेंड द जी इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस, सेंड देन सेंड मी द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू, बट यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर यस सर राइट फ्रॉम 1st फ़रवरी। ओके सर ओके सर। वेरी गुड, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। सर वन थिंग, या हेलो यस प्लीज। हाउ वुड यू रेट दिस इंटरव्यू सर। नाउ बिकॉज इंटरनेट ठीक नहीं है, 7, इंटरनेट अच्छा होता तो आउट 8 8 देंगे, 10। ऑफ ओके सर, थैंक यू, मीन्स आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट। थोड़ा प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, नॉट दैट जी, यू बिल्कुल आर नॉट बिल्कुल सर। प्रिपेयर्ड। सी आपको समय नहीं मिलता है, हमको आपको पोजीशन हम पूरा जानते हैं, आपको समय नहीं मिलता है प्रिपेयर करने का, मिलने से भी क्या जी सर पढ़ना मन में नहीं आता है, पढ़ने से भी क्या मन में रखना नहीं आता है, ये सब भी प्रॉब्लम जी सबको होता है, सो थोड़ा प्रिपेयर कर दीजिए, ओके सर ओके सर, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।